सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। जालौन में अज्ञात लोगों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला का शव उसके ही घर में पड़ा मिला। मामले की सूचना मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने परिजनों सहित पड़ोसियों से पूछताछ की। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरखेड़ा इलाके का है, जहाँ की निवासी शांति देवी अपने पति के साथ रहती थी। बीती रात दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोए हुए थे, तभी देर रात महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरत की बात यही रही कि मामले की बनी महिला के पति को भी नहीं हुई। सुबह होने जब महिला के पति ने उसके कमरे में खून से लथपथ देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए महिला के पति व पड़ोसियों से पूछताछ की। मामले को लेकर एसपी अवधेश सिंह का कहना है कि मामला संदिग्ध है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आज प्रातःकाल सूचना प्राप्त हुई कि शांति देवी वाइफ ऑफ देवी शरण निवासी उमरार खेड़ा निवास पीएस उरई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पूरी पुलिस की टीम मेरे साथ पहुंची, उसकी जांच की गई और आगे भी जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके उस पर कार्रवाई की। हत्या की अभी वजह स्पष्ट नहीं है, उस पर छानबीन की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है, आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।